नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। देश आज़ादी के 75 साल पूरे होने पे अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसमें केंद्र सरकार के एक अपील के द्वारा जो कि अपील ऐसी है जो कि 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान निकाला है, जिसमें 13 से 15 अगस्त के बीच देश के नागरिकों से एक अपील की गई है कि एक रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपने घर पे अपने ऑफिसेज में तिरंगा झंडा फहराए। हम सुबह से ही देख रहे हैं कि विभिन्न विभिन्न नेता अपने घरों के छतों पे झंडा फहरा रहे हैं और वीडियोस भी खूब वायरल हो रहे हैं। इसी बीच एक वीडियो जहां बिहार के जहानाबाद से आई है, जो कि सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है, जिसमें बिहार के जहानाबाद में 1.5 किलोमीटर लंबा तिरंगा यात्रा निकाला गया है। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि जहानाबाद के किस जगह पे ये तिरंगा यात्रा निकाला है और ये तिरंगा यात्रा किसने निकाला है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर जिले के सामाजिक संगठन एक रोटी टीम के नेतृत्व में 1 किलोमीटर से लंबा तिरंगा यात्रा निकाला गया। गौरतलब है कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। आपको बताते चले कि स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पूर्व निकाली गई इस तिरंगा यात्रा को सूबे की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा करने का दावा किया गया है। इस तिरंगा यात्रा में सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्कूली छात्र डीएम आवास के समीप से निकाली गई यह यात्रा शहर के मुख्य मार्ग होते हुए गांधी मैदान में जाकर समाप्त हुई। इस यात्रा में सभी धर्म, पार्टी, जाति और समुदाय के लोगों द्वारा एकजुटता दिखाई गई। सभी एकजुट होकर एक तिरंगे की शान के लिए एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले और देशभक्ति और एकता की मिसाल कायम की। इस यात्रा में शामिल स्थानीय पूर्व सांसद सह लोजपा नेता डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम आम जनता के सहयोग से किया गया, काफ़ी हर्ष की बात है। उन्होंने कहा कि देश के आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका हम सभी स्वागत करते हैं। इस आज़ादी के महापर्व में हम शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि देश के आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बावजूद आज भी कई सांसद को राष्ट्रगान तक नहीं आता। इस मौके पर लोजपा नेत्री इंदु कश्यप ने बताया कि इस अनूठी यात्रा प्रेम जागृत करने का संदेश दिया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता के अलावा समाज के हर तबके के लोगों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि इससे पूर्व जिले में 1 किलोमीटर तिरंगा यात्रा निकाला जा चुका है। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम में समाज के सभी तबकों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इसका उद्देश्य लोगों के में देश प्रेम की भावना जगाना है। तो वीडियो में भी देखा आपने ये कितना लंबा तिरंगा यात्रा निकाला गया है, जनता के बीच अपने देश के लिए प्रेम खुल के दिख रहा है। 1.5 किलोमीटर लंबा यात्रा जो कि शायद रिकॉर्ड बनाएगा, क्योंकि इसके पहले सिर्फ 1 किलोमीटर ही लंबा तिरंगा यात्रा निकाला गया था। तो देखिए, इस वीडियो में बस इतना ही। और भी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।